स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ, उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड और फैमिली में हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ भुना मसाला चिकन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ इसे कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम हमने चिकन लिया है, उसके बाद से गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई को गर्म होने देंगे और इसमें डालूँगी मैं 5 से 7 चम्मच सरसों ऑयल। और जो कढ़ाई गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर ऑयल मैं डाल दूँगी। और जो ऑयल मैं 5 से 7 चम्मच ले रखी हूँ, आप अपने चिकन के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे गर्म होने देंगे, उसके बाद से इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, तेज़पत्ता और कुछ खड़े गर्म मसाले। इसमें दालचीनी है और जो इलायची है, लौंग है, आप देख सकते हैं। तो कुछ खड़े गर्म मसाले हमने ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से भुनने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुका है, भून चुका है। तो इसके अंदर से मैं ऐड कर दूंगी प्याज, इस तरीके से बारीक कटा हुआ। और ये 4 प्याज है, इसे हमने अच्छे तरीके से धो के और बारीक कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी। आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा और फ्राई करूँगी इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हो चुका है, गलने लग गया है प्याज। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर, और हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं ऐड कर दूंगी और इसे भी हम भुनेंगे सॉफ्ट होने तक, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमने इसे भी 1 से 1.5 मिनट भून लिया है। उसके बाद से 3 से 4 हमने हरी मिर्च इसमें इस तरीके के पीसेज 2 भाग करके हमने डाल दिया है और इसे भी भून लेंगे। उसके बाद से हम डाल देंगे इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर और उसके बाद से टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दूंगी मैं इसमें। और उसके बाद से 1 चम्मच मैं इसमें मीट चिकन मसाला डालूंगी और इसे फ्राई करूंगी टमाटर के साथ सारे मसाले को। फ्रेंड्स, आप तीखा खाना चाहते हैं तो मिर्च और बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भून चुका है, टमाटर भी गल गया है। तो मैं थोड़ा सा इसे प्रेस करके और जो मसाले को मिक्स कर दूंगी टमाटर को। उसके बाद से मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और फिर इसे भी भूनूंगी मसाले के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल गल चुके हैं, प्याज और टमाटर। और इस तरीके से प्रेस करके थोड़ा सा टमाटर को और मैं मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी इस तरीके से। और आप देख सकते हैं मसाले गल चुके हैं, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ चिकन को और इस तरीके से मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे हम। फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट इसे भुनने के बाद मैं इसे ढक दूंगी और गैस को मैं लो टू मीडियम कर दूंगी और बीच बीच में हम इसे चलाते हुए पकाएंगे चिकन गलने तक। तो इसे चलिए कवर कर देती हूँ मैं, चलिए चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये गल चुका है और आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बना है। तो इसमें थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी इसके अंदर कस्तूरी मेथी और उसके बाद से धनिया पत्ता मैं डाल दूंगी और इसे चला के ढक देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आप अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। और आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ग्रेवी नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सर्व कर लिया है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी ये बना है। तो आप अपने घर पे इसे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।